हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। और नमाज़ पढ़ के मगरिब की हम आए अपने किचन में और इतनी देर में बनाया है मेरी बेटी ने वाइट पास्ता, ये और योनी ने मेरे लिए बचा के रखा है। और ये है मेरे किचन का हाल जी। और पास्ता में अपना टेस्ट डालने के लिए उन्हीं ने डाला है पेरी पेरी मसाला ये देखिए सब कुछ इतनी देर में उन्हीं ने सब फैला के रखा है। चले किचन को अपने समेटते हैं और रात के खाने में हम बनाते हैं मूंग गोश। और ये मैंने जमाया था दही, ये देखिए मेरा दही कितना अच्छा जम गया है। मैं अपने घर में रोज़ दही जमा लेती हूँ। और पहले तो किचन को समेटेंगे, फिर निकालते हैं गोश। और ये है मटन 1/2 kg। अब हम इसको धो के पहले बघार दें और साथ में किचन को समेटते जाएं। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा हम किचन को समेटे किधर से, पूरा किचन तो फैला हुआ है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उन्होंने किचन में ला के रखी ना हो। थोड़ा किचन मैंने समेटा है, थोड़ा भी पकाते जाएंगे, बाद में समेट लेंगे, नहीं तो पकाने में हो जाएगी देर। तो हम बनाने जा रहे हैं मूंग गोश। तो मैंने कुकर में डाला है थोड़ा ऑयल और इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज के स्लाइस। जब ये बच्चे तो फैलाते हैं और जो है आज फैलाएंगी कल इंशाल्लाह समेटेंगी भी, कम से कम जो है कोशिश तो करती है बनाने की। इस बात की हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो हर चीज़ का शौक है पकाने का भी। तो मैंने मूंग को निकाल लिया है और मूंग को हम चुन के इसको 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। जब तक गोश्त गलेगा भूनेंगे निकाल लेंगे, मूंग जो है हम अलग गलाएंगे, पहले गोश्त गला के फिर निकाल लेंगे। मूंग दो धो लिए मैंने और धो के इनको भिगो दिया है। भिगोया इसलिए है कि ये जल्दी गल जाएंगे, क्योंकि मूंग देर में गलते हैं, और अच्छे से गल जाएंगे ताकि हम इनको जो है मथानी से अच्छे से घोट लेंगे। जितने अच्छे घुटे होते हैं उतने टेस्टी बनते हैं। प्याज हो गई, इसमें हम डाल देंगे मटन। हम थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं क्योंकि मुझे किसी को देना है। मैंने गोश्त बघार के उसमें डाल दिया है अदरक लहसुन और तेज़पत्ता, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी। मैंने इसलिए पहले से डाल दिया क्योंकि एक हाथ से व्लॉगिंग करो एक हाथ से मसाले सही से पड़ नहीं पाते हैं। अब इसको हम रख देंगे गलाने के लिए। मटन है जल्दी गल जाएगा, 10 मिनट के अंदर मटन गल जाए और इसको भून के अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। मूंग गोश्त इसलिए हम ज़्यादा पका रहे हैं क्योंकि मूंग गोश्त जो है वो ज़्यादातर जो है लोगों को मेरे हाथ का बहुत पसंद आता है। आसपास मेरे रिलेटिव भी रहते हैं, जैसे कढ़ी है, मूंग गोश है, बिरयानी है, कबाब है, वैसे ज़्यादातर चीज़ें मेरी जो है सबको बहुत पसंद आती है। तो वो बोलते बनाना तो मुझे भी खिलाना, तो मूंग गोश इसलिए स्पेशली मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ कि मुझे किसी को देना भी है यानी भिजवाना है। और ये है मेरी बेटी का रूम, यहाँ वो पढ़ाई कर रही हैं। और ये है इनका सोफ़ा कम बेड, जब उनको ज़रूरत होती है तो वो बेड कर लेती है, जब ज़रूरत होती है तो वो सोफ़ा बना देती हैं। और ये है इनकी स्टेशनरी, ये देखिए इनकी स्टेशनरी देख लें आप कितनी ज़्यादा है, नीचे भी है, मतलब पेन की तादाद देख लें कितनी ज़्यादा है। और ये स्टिकी नोट, पूरा स्टिकी नोट देखो, और ये भी रखे हैं, मतलब हर चीज़ जो है एक्स्ट्रा। और ये मेरी बेटी ने बनाई थी स्कूल में अपने हाथ से घड़ी, उसको पूरे 20 में 20 मार्क्स मिले।
जब तक गोश्त गल रहा है मैंने सोचा जो है गर्म बहुत हो रही है, रोटी भी बना के रख लें। और हम बना रहे हैं हाथ से चपाती रोटी। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग हाथ से बनाते हैं कि बेलन पटरी से बनाते हैं? अब जब मल्टी ग्रेन रोटी बनाते हैं तब हम बनाते हैं बेलन पटरी से, और जब हम ऐसे ही बनाते हैं ना बगैर मतलब मल्टीग्रेन सादे आटे की तो बनाते हैं हाथ से। अभी आटा मेरा ढला नहीं है, अभी अभी मैंने गूंधा है ना, तो बहुत बड़ी नहीं बन रही, वरना पूरे तवे की रोटी बनती है। मूंग को देखिए मैंने मथानी से खूब घोट दिया है, ये देखिए कितने अच्छे घुट गए हैं। और इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्चें काट के, और डालेंगे एक कप मलाई वाला भर के दूध, और ये मैंने इसमें अपना मटन गला के रख लिया था, और अपने इस मटन को इसमें डाल देंगे। और ये पानी भी इसमें डाल देंगे, और इसमें हम डालेंगे हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। और हाँ हम दिखाना भूल गए, मैंने इसमें खसखस नारियल और काजू भी पीस के मिलाए हैं। मूंग पकने लगे हैं, इसमें हम डालेंगे केवड़ा वाटर, और ऊपर से बघारने के लिए मैंने तेल रख दिया है। इसमें प्याज और जीरे से हम इसको बघारेंगे। मूंग गोश्त पक के एकदम रेडी हो गए हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझको दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।